नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल वन के साथ। क्या चनाब वैली के अंदर यानी कि डोडा भद्रवाह के अंदर इंटरनेट सर्विसेज चल रही है या नहीं, इसकी जानकारी सीधा डोडा से हम लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में विकास जुड़े हुए हैं और जम्मू परिवर्तन के रिपोर्टर हैं डोडा से, उनसे ही जो है वहाँ की हकीकत जो है जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि डोडा में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इंटरनेट चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कॉल करके हमें पूछ रहे हैं क्या वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज चल रही है या नहीं चल रही है। तो विकास जी से जानने की कोशिश करेंगे। विकास सर, आपका स्वागत है, और क्या कुछ वहाँ की हकीकत है, सच में इंटरनेट चल रहा है वहाँ पर या नहीं? अभी पूरा हफ्ता हो चुका है, मतलब अभी तक कोई भी इंटरनेट सेवा यहाँ पर डोडा में नहीं चल रही है, चाहे वो फिर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड हो या फिर कोई भी नेटवर्क से हो। तो पूरे डोडा और पूरे भद्रवाह में जो है अभी बिल्कुल बंद है, और आज और कल जो है कर्फ्यू में जो है भद्रवाह के अंदर भी खेल लेने की कोशिश की गई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अभी जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि 2 घंटे की जो है डील जो है भद्रवाह के अंदर दी गई, और अभी क्या कुछ वहाँ पे डील है या अभी जो है रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है वहाँ पे कर्फ्यू? अभी डीसी डोडा के पास ही हम दूसरा मंत्रालय मिले थे और उन्होंने बताया कि सिचुएशन नॉर्मल है, और मतलब अभी पूरा डोडा डोडा सिटी की बात करें तो यहाँ पे पूरा बाजार खुला हुआ है, लोग अपने काम में, लेकिन इंटरनेट ना होने के कारण जो है लोगों में काफी दिक्कतें आ रही है, बिल्कुल ठप है। और इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कल शाम तक जो है इंटरनेट छोड़ दिया जाएगा डोडा के कुछ पार्ट में, लेकिन हो सकता है बुधवार में अभी भी बंद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडबैंड सेवा भी बिल्कुल बंद है, और कल शाम के 8 या 10 बजे के बीच जगह है जहाँ पे हमें नेट जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि विकास जो हमारे जम्मू परिवर्तन के वहाँ से रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहाँ की ग्राउंड हकीकत क्या है आपके साथ साझा की, और आपने सुना कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज जो है किसी एरियाज़ में यानी कि सिर्फ भद्रवाह को छोड़ के बाकी एरियाज़ में जो है वो ओपन की जा सकती है, लेकिन अभी की जो अगर रिपोर्ट की बात करें, अभी की बात हम करें, तो वहाँ पे जो है इंटरनेट सर्विसेज नहीं खोली गई है, ना ही ब्रॉडबैंड सर्विसेज वहाँ पे खोली गई है। तो लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग ऐसे जो है जो लोग ऐसा बता रहे हैं वो हो सकता है कि बटोत के एरिया में हो सकता है कि वो किसी और एरिया में जो है ये मैसेजेस या वहाँ पे लाइव कर रहे हों। हमारे साथ में जो है दोबारा से कॉल किए जी विकास जी, एक तो आपको मैं बताऊं कि जो है वहाँ पे अभी जो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो डीसी डोडा ने बताया है कि हम जो है ओपन करेंगे, लेकिन माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विसेज की वजह से ही जो पोस्ट अपलोड करते हैं उन सब चीज़ों से ही वॉयलेशंस जो है पैदा होती है और टेंस माहौल हो जाता है, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती है, क्योंकि भद्रवाह में हमने ऐसा ही देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हेट को बढ़ावा दिया गया, तभी जाकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर लगाम लगाकर जो है वहाँ पे कर्फ्यू जो है लगा दिया। डोडा में माहौल ठीक था, डोडा के और भी जो है एरियाज से वहाँ पे माहौल ठीक था, सिर्फ भद्रवाह के कारण बाकी एरियाज को भी ये दिन जो है देखना पड़ा कि जो है इंटरनेट वहाँ की बंद हो गए और ये सब जो है कर्फ्यू सहना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ भद्रवाह के अंदर जो टेंस माहौल हुआ उसके कारण बाकी एरियाज को भी जो है टेंस किया। आपने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीसी डोडा की सुनी होगी, उसमें भी उन्होंने बताया कि कुछ जो है ये ऐसे शरारती तत्व हैं जिनके वजह से जो है बाकी एरियाज में भी हमें जो है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये अभी की ग्राउंड रिपोर्ट थी जो हमने आप तक जो है साझा की। तो दीजिए सुलिंदर परिहार को फिलहाल इजाज़त, किसी और अपडेट के साथ किसी और खबर के साथ ज़रूर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाज़त, कैमरामैन रघु के साथ चैनल वन के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।